गाजियाबाद के इंद्रपुरम में एक दंपति की आत्महत्या करने से हड़कंप मच गया। घटना इंद्रपुरम की नीतिखंड 3 की है, जहां एक मकान से पति पत्नी का शव मिला। पति के दोनों हाथ बंधे थे और शव पंखे से लटका था, जबकि पत्नी का शव बिस्तर पर पड़ा था। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इसी साल जनवरी में दोनों की शादी हुई थी और आपसी विवाद की वजह से पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रवेश और उनकी पत्नी कंचन की लगभग 1.5 साल पहले शादी हुई थी और सोमवार की शाम को उनका शव मिला था, जिसके बाद क्योंकि उससे पहले कई लोग उनके परिजन जो है उन्हें फोन मिला रहे थे, लेकिन फोन नहीं उठाने के बाद उनके परिजनों का जो है यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद उन्हें पता चला कि दोनों ने जो है दोनों की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। पति प्रवेश की जो है फांसी लगाई थी, लेकिन उसके हाथ बंधे थे, जिसके बाद ये भी शक जताया जा रहा है कि क्या उसकी हत्या की गई है, और पत्नी की जहर खाने से आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस कह रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तुरंत सब सामने आएगा, लेकिन पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, इसलिए पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है कि आखिर असल वजह क्या रही है। दीपक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।